जिस दिन ऑफिस की छुट्टी करता हूँ और तुमसे मुलाकात नहीं होती, तो ऐसा लगता है दिन मुकम्मल ही नहीं हुआ। सलमान, सलमान। अरे उरुज, तो यहाँ आओ, बैठो ना। बैठूं? बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम करती जाऊं। अरे बैठ जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तो फिर तुमने ऑफिस की छुट्टी क्यों की? वो दरअसल मेरा अर्ली मॉर्निंग उठने का बिल्कुल दिन नहीं कर रहा था, तो मैंने बॉस को मैसेज कर दिया कि मैं बीमार हूँ। वो मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने फोन ही नहीं उठाया। तब भी आज बॉस का मूड ऑफ था और तुम्हारा गुस्सा मुझ पे उतार दिया। तुम्हें फिर डांटा बॉस ने? और क्या, उस बुड्ढे को और आता ही क्या है। उरुज, बुरी बात है, बॉस है हमारा। जो भी है, मुझे तो लगता है कि उसकी बीवी ना सुबह ही सुबह उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है, तभी सारे दिन के फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल देता है। अच्छा छोड़ो ना, दफा करो। अगर हमारे बॉस चिड़चिड़े हैं तो हम अपना मूड क्यों खराब करें भाई। और तुम्हें पता है, उनके जाने के बाद उनकी सेक्रेटरी मेरे रूम में आई और पता है क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? कि तुम्हारा और सलमान का कोई अफेयर चल रहा है क्या? क्या? मेरा और तुम्हारा चक्कर? मेरे ख्याल में वो इसीलिए कह रही होगी कि मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ ना। अच्छा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती है मुझसे ये बात पूछने वाली, और अगर अफेयर चल भी रहा है तो तुम्हें इससे क्या है ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, अगर हम एक दूसरे को पसंद करते भी हैं तो किसी तीसरे को क्या मसला है। सलमान, मेरा मतलब है कि अगर ये बात सच भी है, हमारा अफेयर चल रहा है, तो इस बात से सेक्रेटरी को क्या प्रॉब्लम है। अब खैर जो भी है, मैं घर जा रही हूँ, मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ, बॉस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। ओके, बट थैंक यू रोज। थैंक्स, थैंक्स फॉर व्हाट? अरे भाई, तुम ऑल द वे आई मेरी खैरियत मालूम करने। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं, लेकिन यहाँ आके देखा कि तुम तो अच्छे खासे ड्रामेबाज हो। एक बार तो चलता है। अच्छा खैर, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके। और सुनो। हाँ, बोलो। मैं ये कह रही थी कि मेरे घर के पास एक कॉफी शॉप खुली है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं, ठीक है? ओके, नेकी और पूछ पूछ। 7 बजे रेडी रहना। बाय। आई विल। कपड़ा दे। ओ, मैं सोच रहा कि मैं अपना अखीना पुत्र दा उनू फोन ना करना। किसका खून हो गया? हाय हाय, ओ तेरा बेड़ा तर जाए। ओ की कर रही है? तेरा खून किंदा खून भरा रे। मैं तेनु क्या, मैं तेरे धक्के बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खून किंदा होया जे? फोन ही नहीं है, मैं फोन कह रहा पुत्र नु। ओ तेरा आला किथे? अपने पुत्र नु ना सोने गबरू जवान ना, मैं खुद फोन करांगी। फोन मिलाना। अरे आप कैसी हैं? आप अपना बताएं। कौन कैसी है पुत्र? मेरा लगता है मुझको वाला नहीं सही। फिड़े ही मुंह तेरा। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुझे ना एक खुशखबरी सुनानी है मैंने। कैसी खुशखबरी अम्मा? वो खुशखबरी सुन के ना तू ऐसे झूम जाएगा। कैसे झूम जाएगा? ऐसे घूम जाएगा। हाँ, वो जुलेखा की जो तीनी है रजिया, रजो, उसको ना हमने तेरी मांग बना दिया। क्या अम्मा, क्या कह रही हैं आप? अब मुझे किसी रजिया बसे से शादी नहीं करनी। ओ पुत्र, मैं तो ऊंचा सुनती हूँ, तू भी ऊंचा सुनता है। अरे मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अब आप अब्बा को फोन दे। अच्छा, अपने प्यो को समझा दे, मेरी तो तुझे समझ ही नहीं आती। पकड़े दी। हेलो पुत्र, क्या हाल है तेरा?
मैं ठीक हूँ, ये अम्मा क्या कह रही हैं? अरे अम्मा ठीक कह रही है तेरी। ओए मेरी बात सुन, इसी बात पे लतीफा याद आ गया। एक बार ही होता है। अब मुझे ये लतीफा मत सुना। आप मेरी बात सुन, मैंने रजिया से शादी नहीं करनी है और यही मेरा आखिरी फैसला है, बस। ओए और तेरा दिमाग ठीक है? समझा करें आप, मैं शादी नहीं कर सकता। और क्या समझूं मैं? और शहर की हवाला की है तुझे, हैं? हाँ बस यही समझ लें। खुदा हाफिज। और ये किस तरह का पुत्र तू जमया है? ओए आखी केंदा की है? केंदा की उन्होंने, नहीं करनी शादी उन्होंने। सिया से शादी? नो नेवर। Thank you. क्या बात है? बॉस ने इंसल्ट मेरी किया, लेकिन सिटी तुम्हारी क्यों घूमे? खैर तो है। हाँ बल्कि नहीं, खैरियत नहीं है। क्या बात है? Tell me. Actually उरुज, मैं खास टॉपिक पर तुमसे एडवाइस लेने आया हूँ। बोलो ना यार, क्या मसला है? यार अम्मा अब्बा ने गांव में किसी लड़की से मेरी शादी फिक्स कर दी है। What? Are you serious? वैसे उनके नाम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ना? वो क्या होते हैं? रानो, बानो, नीलो। By the way, तुम्हारी वाली का नाम क्या है यार? बताओ ना। रजिया। Stop it रोज, तुम्हें सब फनी लग रहा है। मुझे ये सब कुछ फनी नहीं लग रहा है, मुझे ये सब फनी लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो लोग अपनी लड़कियों के साथ भी नहीं करते जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ कर रहे। यार मेरे अम्मा बाप थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें समझाना इतना आसान नहीं है। रोज मैं बहुत परेशान हूँ यार। ओके आई एम सॉरी। वैसे क्या तुम किसी को पसंद करते हो? हाँ। कौन है? है कोई? अब देखो जो भी है, तुम अपने माँ बाप को उसके बारे में बता क्यों नहीं देते? नहीं बता सकता ना, और अगर मैं उनको बता भी दूँ ना तब भी वो नहीं मानेंगे। तो फिर तुम एक काम करो। क्या? तुम्हारे माँ बाप जब यहाँ आए तो उनसे कहो कि मैंने शादी कर ली है। हाँ? और जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक तुम झूठ मूठ का ड्रामा कर लेना। जैसे वो यहाँ से चले जाएंगे वो ड्रामा वैसे ही चलता रहेगा। क्या ख्याल है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। गुड। चाय पिए? रूस ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया। बता देता हूँ कि मैं शादी कर चुका हूँ, इसमें क्या है? अब्बा को गुस्सा आ जाएगा। ये गुस्से से भी तो बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है। चल बेटा सुनो, फोन लगा। तू तो रोना बंद कर, इस किस्म का निर्लायक पुत्र जमया तू। समझ नहीं आती करा क्यों नाल नाल तू टह टह किए जा रही है। आया रखे का फोन आ गया। ओए ओ हेलो अब्बा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओए हाँ पुत्र, दस बात दस। मुझे पता है तूने क्या कहना है। पता क्या? मुझे पता तूने हमारी बात मान ली और शादी को राजी हो गया तू है। नहीं ऐसी बात नहीं है। और तो फिर क्या बात करनी है तुमने? वो अब्बा मैं यहाँ शादी कर चुका हूँ। हैं? क्या? हाँ। और तुझे शर्म नहीं आती है? बेवकूफ, खदे, नालायक, नाफरमान। अब इन बातों से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। बस मैं शादी कर चुका हूँ और आप ये बात अम्मा को बता दें, बस। खुदा हाफिज़। की कह रहे हैं ग्रेट, रूस ने बिल्कुल ठीक कहा था। और तेरे पुत्र ने शादी कर ली है शहर च? क्या कहा? ब्याह भी कर लिया उसने हमारे बगैर ही। वो तो बगैर था फिट है मुंह उसका। आ रहा है फोन होता। हेलो। ओ यार बड़े अफसोस की बात है ओ पुत्रा। ओ मैं तो सोचिया सी मैं तुझे मिलूंगा, लतीफे सुनाऊंगा, बढ़िया गल्ला बातें होंगी, मगर अब नहीं। तू तो चुप कर जा। अब्बा तुझे नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कर। चुप करो, मैंने कुछ नहीं समझना।
अते अपनी माँ की रोने की आवाज सुन ले ना, या सुन ओदी आवाज सी तुम शान नहीं आती तेरी वजह से वो रो रही है। अरे तो आप अम्मा को समझाए ना। चुप कर रहे यार, समझाने वाला अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। अच्छा ठीक है, बोले आप, बोले क्या कह रहे हैं आप। एक बात, तू वहाँ शहर जाके ना वहाँ का पानी पी के बेमरवत हो गया, अब तेरी नजर में माँ पियो की कोई अहमियत नहीं रही है। अब्बा जी ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो। जी बोले। हम तेरी तरह बेमरवत नहीं है, खानदानी लोग हैं। हम शहर आएंगे, वहाँ आके अपनी बहू से मिलेंगे, उसको हम बताएंगे कि हम तेरे सास ससुर हैं और इस खोते के माँ पियो हैं। हम उसको मुंह दिखाई भी देंगे। अरे नहीं नहीं अब्बा, मेरे अब्बा हेलो अकबर चल नहीं जान दी दिया रिया का चलने आ फिर पुत्र कोल। पूछ के मशवरे ने तो मरवा ही दिया मुझे। झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार। रोज कहाँ गायब है, इतनी कॉल्स की मैंने से एक कॉल नहीं उठा रही मेरी। सलमान, तुम अभी तक ऑफिस जाने के लिए रेडी नहीं हुए। तुम हो कहाँ यार? मैं ऑफिस नहीं जा रहा, बहुत टेंशन में हूँ। ऑफिस नहीं जा रहा मतलब क्यों? देखो अगर नहीं जाना था तो तुम मुझे पहले बोल देते, मैं डायरेक्ट ऑफिस चली जाती ना। ओ हेलो, तुम्हारा फोन कहाँ है? कितनी कॉल्स की मैंने, तुम अपना फोन चेक करो तो तुम्हें पता चले ना। और तुम्हारा फोन है कहाँ? है भी तुम्हारे पास कि छिन गया? चेक करो देखो। I'm really sorry. वो क्या है ना कि मेरी बहन और बहनोई दुबई गए हुए, तो इसलिए वो अपने बेटे को मेरे पास छोड़ कर गए। तो मेरी कॉल तो अटेंड करनी चाहिए थी ना। बता तो रही हूँ कि शान के पास था मोबाइल। शान? कौन शान? शान मेरा भांजा। ओह अच्छा, अब एनीवेज रूच बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? बॉस ने कुछ कहा है तुमसे? अरे नहीं, बॉस ने कुछ नहीं कहा। वो एक्चुअली तुमने जो मुझे मशवरा दिया था ना, मैंने उस पर अमल किया और अम्मा अब्बा को बता दिया कि मैंने शादी कर लिया है यहाँ पर। तो फिर ये कि वो दोनों यहाँ आ रहे हैं मेरी बीवी से मिलने। क्या सलमान, मैंने तो बस मजाक में कहा था। अरे तो मुझे उस वक्त वो ही ठीक लगा तो मैंने कर दिया। ओह माय गॉड, तुम अब क्या करोगे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ मैं बताता हूँ। झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार। क्या मतलब मैं तुम्हारी बीवी? क्या पागल हो गए हो क्या? रुच प्लीज, तुम इस वक्त मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हो प्लीज? I'm sorry। कैसी बातें कर रहे हो सलमान? मेरी बहन अपना बेटा मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के गई और तुम क्या कह रहे हो? अरे तो इसमें क्या है, अपने भांजे को तुम डे केयर में डलवा दो, सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। I promise। Impossible, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। रुच, there is always a solution। तुम एक काम करो, अपने भांजे को भी यहाँ पर ले आओ, मैं सब संभाल लूंगा। Please say yes। तुम ही निकाल सकती हो मुझे इस मुसीबत से। सलमान। शाबाश, अब अल्लाह माले शाबाश। हाय हाय। Okay। Thank you। झूठ मूठ का सच्चा प्यार। रोज कहाँ रह गई? 5:30 बजे आने का कहा था। Hi। आ गए तुम लोग। वेलकम होम। रूज, ये अंकल कौन है? है? ये इतना रूज बोलता है? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? शान, ये सलमान अंकल हैं। अंकल कहलवा रही हो मुझे? देखो रूज, प्लान के मुताबिक तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा बच्चा है, तो उसको चाहिए कि मुझे पापा बोले। हाँ? पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा बच्चा है ये, इसको कैसे समझाऊंगी मैं? यार रोज समझने की कोशिश करो, अगर इसने मेरे अम्मा अब्बा के सामने मुझे अंकल कह दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। हेलो सलमान, माय नेम इज शान।
यू नो। हाँ ये ठीक है, आज से तुम इन्हें सलमान ही कहोगे, ठीक है ना? क्या मतलब है? ये मुझे नाम से पुकारेगा? हाँ तो ठीक है ना, एटलीस्ट अंकल कहने से तो बेहतर है ना। रूथ समझने की कोशिश करो, गांव के लोग इस चीज को बुरा मानते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप का नाम पुकारे। आप देखो बड़े शहरों में ना ऐसा होता रहता है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बेटा शान, आज से मैं आपका पापा हूँ। आप मेरे पापा नहीं है। हाँ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ झूठ बोलता। ओके सुजमी, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना गंदी बात होती है। रोज ये मेरा काम बिगाड़ेगा। अच्छा रोज, मेरे अम्मा बाप सिर्फ एक हफ्ता यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। एक हफ्ता? हाँ मतलब कि जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे हमें मियाँ बीवी का नाटक करना पड़ेगा। हाँ रहना तो पड़ेगा, कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना। अच्छा रुच, मेरी अम्मा ना थोड़ा ऊंचा सुनती है, कान में आला लगाती है। और अब्बा? अब्बा वो तो बात बात पर लतीफे सुनाते हैं। ओ, अच्छा इसका मतलब अब्बा अच्छे मिजाज के मालिक हैं। यार राइट, लेकिन इस वक्त वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। और जब वो गुस्से में होते हैं ना तो उनका मूड बहुत खराब होता है। इसका मतलब सारा मसला अब्बा का है? हाँ, और रोज ये मसला मजीद बढ़ेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस घर में एक बच्चा भी है और वो मेरा तुम्हारा बेटा है। अरे तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते मैं ये ड्रामा करी, ज्यादा फ्री मत होना। ओके रिलैक्स, और पीछे दरवाजा बंद कर दिया कर। कितना सोना घर बनाया है मेरे पुत्र ने माशाल्लाह। ईट गारे के घर को हमने क्या करना है जब बच्चा ही नाफरमान हो गया हमारा? कौन कुर्बान हो गया? और मुझे भू कुर्बान नहीं, नाफरमान, नाफरमान होया। अच्छा नाफरमान, वैसे नाफरमान कौन होया? ओए पुत्र साडा नाफरमान होया, बोती गल्ला ना कर, चल चुप हो जाओ शान प्लीज। ए मम्मा के पास जाना है। मम्मा के पास जाएंगे लेकिन अभी नहीं। मुझे अभी जाना है मम्मा के पास। अच्छा ठीक है, पहले रोना बंद करो फिर मैं मम्मा के पास लिख। रोज अम्मा अब पहुंचने वाले। मुझे मम्मा के पास जाना है। क्यों रो रहा है ये? कान बहरे हो गए हैं क्या? वो कह रहा है कि उसने मम्मा के पास जाना है। मुझे अभी जाना है। हाँ कैसा बच्चा है ये? कैसा बच्चा है मतलब? यार सिर्फ इसके दांत ही तो नहीं है, बाकी तो वैसे ही जैसे बच्चे होते हैं। इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन ये कौन सा वक्त है अपने माँ बाप को याद करने का? शान, प्लीज चुप हो जाओ। ये मेरे मम्मा के पास जाना है, अभी अभी। आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम यार ये मेरे मम्मा के पास जाना है। रूच मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरे अम्मा अब्बा के आगे इसने अपने माँ बाप का नाम लिया ना तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। मेरे बाप चुप हो जा। आ जाओ भैया आ जाओ, बड़ा कैंटी लगी है। कोशिश तो कर रही हूँ ना शान। मुझे टेंशन हो रही है। इसको कमरे में लेके जाओ, उसको पहला संभाल लेना। क्या आएगा? ऐसी बात नहीं है, खाना देती है। थाना? ए, सुने जी ये किस थाने की बात कर रहा है? ओए भलिए लोकी, थाना नहीं किया उन्हें, खाना क्या है? वो किथे मशीन, तेरी मशीन ला।
खाना खाना भी खाएंगे पुत्र, पहले ठंडा पानी तो पिया। मैं आए अंदर है। वैसे ना भी थोड़े से नाराज है, सही हो जाएंगे, तुझे पता है ना। अम्मा मुझे पता है, बाबा ना ऊपर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छे हैं। कच्चे हैं क्या? कच्चे हैं? अरे कच्चे नहीं, अच्छे। आप अंदर चले। आए अंदर आए। सोना तो आ रहा है तेरा। आजा आजा। मैं सुत के आजा। अब बैठे बैठे। अब्बा जी, अब्बा जी आप बैठे तो सही, प्लीज प्लीज बैठे ना, बैठे 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 बैठे। मैं बस अभी आया। कहा अच्छा है पुत्र का है, फुहारा भी लग गया। शांता, मुश्किलों से मैंने उसे चुप करवाया, मोबाइल में वीडियो गेम लगा कर दिए, तब जाके स्कूल में आया है वो। शुक्र। अच्छा तुम तैयार हो बाहर जाने के लिए? हाँ, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे होगा। बोलो जी, घबराहट क्यों हो रही है? अच्छा महसूस करो, गहरा सांस लो। फीलिंग बेटर? परफेक्ट। अब तुम समझो कि तुम मेरी बीवी हो। एक्सक्यूज मी, तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं? तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सुन लेंगे। मेरा मतलब है कि अभी के लिए तो हो ना। शाबाश, ओ शाबाश। हाँ हाँ, तो बस इस एक्टिंग को असल बनाने के लिए तुम समझ लो कि तुम मेरी बीवी हो। सिंपल। ठीक है। अच्छा वेट, दुपट्टा सर पर ले लो मेरे लिए। परफेक्ट। चलो जाते ही उन्हें सलाम करो। ओके, मैं कोई जंगल से आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि बड़ों को सलाम करना है। आई नो। अच्छा एक और बात, अम्मा अब्बा कुछ गुस्से में कहते हैं तो पूरा मत मानना। ओके मां, तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, और अगर वो कुछ कहेंगे भी तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? एग्जैक्टली, ये तो अच्छी बात है। हां अच्छी बात है। अब चलते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, और प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जाओ। थैंक यू। अब गुस्सा थोक देना। अब देखें, आपकी बहू आएगी तो क्या सोचेगी? हाँ? और क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि कितना नामकूल फजूल बेवकूफ का मियां है मेरा। समझाए ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। कितनी सोनी है मेरी नौ। वालेकुम अस्सलाम। जिंदे रहो जिंदे रहो। आप सब खैरियत से हैं? ओए हमने कैसे खैरियत से होना है, जिसका ऐसा नामकूल फजूल सा बेटा हो, कैसी खैरियत से हो सकता है? रजी साहब, बहू के सामने तो ना बोले। क्यों ना बोलूं? बहू केड़ी पराई है, हम तो हमारे घर की हो गई हो, है ना बेटा? हाँ अब्बा बिल्कुल फर्द है। और देखो पुत्र बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये जो नामकूल है ना, मगर ये इस कदर बेवकूफ और नामकूल है कि इसने तुमसे शादी तो की है, तो ना हमसे इजाजत ली है, ना हमें इतला दी है, ना ही हमें शादी पे बुलाया है। ये कोई बात होती है भला? इनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांग लेती हूँ। नहीं मेरे पुत्र, तू क्यों माफी मांगेगी? करे कोई जब परे कोई। तो मैं माफी मांग लेता हूँ, माफ कर दे मुझे। माफी पुत्र, इस तरह से माफी नहीं मिलती। दसांगा तेन किस तरह माफी होती है। माफ कर दे। अच्छा मेरी धीए जिंदी दे, तू कल मशीन ला के रखी। कोई नहीं, मान जाएंगे पिता जी। और पुत्र तू सुना, तेरे घर में सब ठीक है? तेरे अम्मी अबू भैन भरा सब? अम्मा अब्बा तो नहीं है मेरे। हैं? अम्मी अबू नहीं है, कहाँ गए हैं पुत्र जी वो? अम्मा वो इंतकाल हो गया। कौन इंतकाल कर गया है? उरूज के अम्मी अबू का इंतकाल हो गया। उरूज के? तो ये उरूज कौन है अब? उरूज आपकी बहू अम्मा।
अच्छा इसका नाम रूज है, बहुत सोना नाम है, जिस तरह की मेरी सोनी नो है ना उसी तरह का नाम है माशाल्लाह। नंद सामान करा दो। अब मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ भूख लगी हुई पुत्र मन। पुत्र जी परेशान ना हो, अब्बा जी ऐसे ही हैं, नाराज भी हो जाते हैं राज भी हो जाते हैं, तू नहीं परेशान हो। माशाल्लाह तू कितनी प्यारी है, माशाल्लाह तेरे हाथ भी बड़े प्यारे हैं, ए दिल करता है तेरा मत्था चुमी चुमी जाऊं। हाय मेरा पुत्र तो ठीक रखता है ना, खुश रखता है ना तुझे। ओ बले बले, ओ बेटा आप कौन? शान। शान तो ठीक है पर कौन है आप? अरे मैं शान। और मतलब है, हो तो शान पर यहाँ क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा, गेम खेल रहा हूँ। अरे मेरा मतलब पुत्री घर में क्या कर रहे हो? आप कौन है? मैं रशीद। कौन रशीद? और मैं संभाल का पियो। अब्बा जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका कमरा दिखा दूं, आप आराम कर लें। एक मिनट ठहर जा, ये कौन है? ये बच्चा है। खोते थे पुत्रा, मैंने पता बच्चा है, किसका बच्चा है? हैं? कौन है? ये हमारा बच्चा है। हैं? क्या? हमारा बच्चा? और तेरा भला हो, तेरी खैर हो जाए, तेरा कख ना रवे, वो एक दिन बगैर बताए शादी की थी, अब फिर पुत्र भी कर लिया, तो दस्या नहीं मैंने। अब्बा जी मेरी बात तो इस गुनाह की सजा मिल रही है। रोज रोज अजी दरवाजा खोले ना, बैठ कर बात करते हैं। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं करनी मेरे बात। बात हो गई और तेरा बच्चा भी है और तूने ये बात हमसे छुपाई है? बड़ी गलत बात है, हमारे का पोता पैदा हुआ और इसने इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपा ली। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, गलती हो गई माफ कर दे। ये क्या कह रहा है? और कह रहा गलती हो गई है माफ कर दे। तो कर दे ना, बच्चा है बेचारा। बच्चा? और जो बच्चा जिसे कह रही है उसका आप एक बच्चा है? वैसे रशीद साहब मेरा ना पोते को मिलने का इतना दिल कर रहा है, वो किसकी शक्ल का, हमारे पुत्र जैसा या नौ जैसा? और मुझे क्या पता किस जैसा है, उधर जा। तुम ही बात करो ना, समझाओ। अब्बा जी वो क्या है ना कि ये बहुत घबरा गए थे, जिसकी वजह से शादी का नहीं बताया तो बच्चे का कैसे बताते? कमाल करती हो, 5 साल का बच्चा है उसका, उसका मतलब शादी किए हुए 5 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा हो गई गलती, प्लीज माफ कर दीजिए। और तुम बीच में बताओ बहू, वरना तुम चाहती तो मैं बता सकती थी। अब्बा जी मैं अपने शोहर के खिलाफ जाती कैसे? कितनी फरमा बरदार बहू है, अपने मियाँ की कितनी साइड ले रही है वैसे। चुप कर जा तू, तू मेरी साइड पे है उसकी साइड पे है? मैं हूँ तो अंदर आपके साथ ही, वरना मेरा पूरा दिल है उनके पास जाने को। चुप, बात सुनो सलमान, तूने बहुत बड़ी गलती की है, कल सुबह ही हम जो है या गड्डी में बैठ के वापस गाँव जाएंगे। अब्बा जी ऐसे तो मत बोले प्लीज। क्यों ना करे, तूने हमें कचरा और मटी समझा हुआ, हमने ना यहाँ रुकना बस। यार मैनू कोई घर की मशीन ला दे, मैनू भी नहीं बोला किता तू अल्लाह। कल मशीन ला आई ना तो अपनी नौन की आवाज आएगी तो फिर चुप होएगी तू। ऐसे उरूज, मैं भी ऐसे बनाऊंगी। मुझे तो लग रहा था कि 1 हफ्ता लगेगा, यहाँ तो 2 दिन में ही काम हो गया यार। हाँ लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज भी तो है ना? उसकी फिक्र मत करो, ठीक हो जाएंगे वो। अच्छा तो ये लोग कल वापस चले जाएंगे? हाँ उम्मीद तो यही है, अभी मुझे तो नींद आ रही है, चलो सोते हैं। ओ हेलो, इधर सोते हैं। हाँ हम बाहर वालों के लिए मियाँ बीवी हैं, पर रियल लाइफ में तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो कहाँ सोते हैं? हाँ जाओ जाके कहीं भी सो जाओ। मैं कहाँ जाकर सोऊंगा यार, इतना बड़ा घर है, कहीं भी सो जाओ। रोज मुझे इसी कमरे में सोना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। नो 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 नो, कोई कहीं नहीं जाएगा, देखो बाहर अम्मा अब्बा है, तुम जाओगी वो तुमसे 10 तरह के सवाल करेंगे। एक काम करते हैं, तुम और शान बेड पर सो जाओ,
मैं सोफे पर सो जाता हूँ, अब ठीक है? Are you sure? हाँ हाँ, मैं तो सोफे पर सोता रहता हूँ। अच्छा मुझे तकिया वाला दे दो, मुझे स्पिनिंग आती है। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सलमान, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? तुम्हारी तस्वीर है? हाँ, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? हम मियां बीवी है ना। हाँ, लेकिन झूठ मूठ के। हाँ हाँ, वही। हाँ तो वॉलेट में तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी तस्वीर ही लगाऊंगा ना, ताकि अम्मा अब्बा को लगे कि तुम मेरी बीवी हो। इंसान अपनी बीवी की तस्वीर नहीं लगाएगा तो किसकी लगाएगा? कैटरीना कैफ की। हाँ, लेकिन ये तस्वीर देख के लग नहीं रहा कि ये तस्वीर नई है, काफी पुरानी तस्वीर है ये। मुझे दिखाओ। क्या हो गया? मतलब मैं तुम्हारी तस्वीर पहले से क्यों लगाऊंगा? पक्की बात है ना? हाँ बाबा, पक्की बात है। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाओ। गुड नाइट। सलमान, कहा क्यों नहीं कि तू उससे मोहब्बत करता है? अच्छा मौका था, बोल देता। रशीद साहब, मान लेना मेरी बात, नहीं जाते, नहीं करे तैयारी। मेरी बात सुनो, तूने रहना ना, यहाँ रह ले, मैं नहीं रुक सकता। बस मान लेना, मैं कह रही हूँ नहीं जाते ना। मैं नहीं रुक सकता। क्या नहीं कर सकते? और कर सकता नहीं, रुक सकता, रुक सकता। अच्छा, इतना भी नहीं ऊंचा सुनती। रुक जाए, दिल वड्डा कर ले अपना। तू पागल से भी हो गई है? और दिल वड्डा होना तो बीमारी होती है। तू होश कर कुछ, मैं भी बीमार हो जाऊं। मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने हमें इकलौती एक औलाद दी है, एक बेटा है हमारा। और तो हम भी एक ही माँ बाप है, इकलौते मतलब इकलौते। उसने क्यों नहीं बताया हमको शादी की है? बच्चे का भी नहीं बताया उसने। हो सकता है वो हमें भूल गया हो। शाबाश है भाई तेरी, खैर हो तेरी। वो भूल गया, शादी करना नहीं भूला, बच्चे करना नहीं भूला, माँ बाप को भूल गया हो। भुगते अभी। और मेरी बात सुन, मुझे लगता है तेरे कान के साथ साथ ना तेरा दिमाग भी खराब हो गया, उसकी भी मशीन लेनी पड़ेगी। मेरी बात सुने, आपने जाना ना आप जाए, मैं नहीं जा रही। मैं तो ना अपने पोते के साथ खूब खेलूंगी, इतना सारा देख लेना। अच्छा जा, खेल ले पोते के साथ। मैंने कल टूट जाना पिंड, नहीं जान रहना मैंने यहाँ पे। देखती हूँ मैं कैसे नहीं रहना, आपकी अना आड़े आती है या पोते की मोहब्बत। मैं तो जा रही हूँ उससे खेलने, समझे? ये तो व्याया हुआ है, फिर ये अलग क्यों सो रहा है? वो भी अलग सो रही है, बच्चा भी नहीं है। सलमान उठो। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी जी आई थी और तुमने तुम यहाँ सोता हुआ देख लिया है। क्या? झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार। आप यहाँ? ओ, किसी ने सही कहा है यार। अब बंदा अपनी औलाद से नाराज हो सकता है, लेकिन औलाद की औलाद से नाराज नहीं हो सकता। वैसे ना
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो उसके साथ खेलने जा रही हूँ। आओ शान बेटा, दोनों खेलते हैं, ठीक है? चल पकड़। अब इधर फेंक। ऐसे 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 ऐसे, बहुत खेल लिया, अब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। बच्चा जो भी कह रहा है ना, बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। और तू पागल हो गई है? वो कह रहा है कि दादा का इंतकाल हो गया है, माला ठीक कर अपना। किसका इंतकाल हो गया, किसके दादे का? ओए इसके दादे का, मेरा इंतकाल हो गया है। ना पुत्र, दादाजी का इंतकाल नहीं होया। बाबा ने कहा था कि दादा का इंतकाल हो गया। और तेरे बाबा ने माँ के बारे में क्या बताया, कि दादी मर गई है कि जिंदा है? दादी का भी कुछ बताया नहीं। अरे शुक्र है, इधर तो मेरी इज्जत रह गई है। सलमान, जिस तरह सोफे सोते हुए देख लिया, वो यकीनन कुछ ना कुछ बोलेंगी। अब कुछ भी बोले, खुदा के वास्ते तुम सुन लेना। और वैसे भी वो जाने ही वाली है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये भी है। ये शान का है? शान उनके साथ बाहर लॉन में खेल रहा है। और क्या? और मुझे ये डर है कि कहीं वो कुछ बोल ना पड़े। देखो ये शान है ना, इसको अम्मा अब्बा से दूर रखो, वरना जाने से पहले ना कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा। एक सेकंड, मैं कैसे दूर रखूं? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें उसे देखना चाहिए था ना। तुम्हारी बीवी नहीं हूं मैं। सलमान, सलमान, बल्ले 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 बल्ले। यकीनन मैंने बता दिया अब्बा को। चलो जल्दी चल। क्या हुआ अब्बा? मर गया। अब्बा कौन मर गया? कौन सा झूठ अब्बा? अच्छा अब ये भी मैं तुझे बताऊं। और क्या बोला तूने बच्चे से कि दादा मर गए? अब्बा क्या हो गया आपको? आप किसी की भी कसम उठवा ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चुप कर जाए और मैं तेरी बात क्यों मानूं? और तू तो है झूठा। और क्या होगा तूने बच्चे से? हैं? नहीं अब्बा जी, सलमान ने कभी ऐसी बात नहीं की। एक मिनट मेरी बात सुन। और देखो पुत्र, बच्चे गैर सियासी होते हैं ना, अपने पास से तो ऐसी बात कर नहीं सकते। और जरूर उसने कहा होगा उसको। हमारा बच्चा कर सकता है। और शर्म करो बेहया, और कितने झूठ बोलेगा तू हमसे? पहले हमसे चुप कर, तूने शादी कर ली, हमको नहीं बताया झूठ बोला। और तेरा बच्चा हो गया, वो तूने हमको नहीं बताया झूठ बोला। और बच्चे ने पूछा होगा, अब्बा मेरे दादा दादी कहाँ हैं? तो तूने कह दिया होगा कि दादा मर गया है। चल अब्बा जी। शुक्र है बच गए। लगता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे उनके साथ। क्यों, क्या अच्छा नहीं कर रहा यार? इस तरह तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखाना अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया रोज? जिस तरह सारे माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो भी करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हर औलाद तुम्हारी तरह नहीं करती जो तुम उनके साथ कर रहे हो। मैं उनके साथ क्या कर रहा? वैसे तुमने आज सवेरे ही वापस जाने का फैसला कर लिया था। सही किया, लेकिन फिर पोते की मुहब्बत में हमने सोचा कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं। गलत किया। और क्या कहा तूने? मेरा मतलब है अब्बा, आपके जाने का फैसला गलत था, यहाँ रुकने का फैसला सही है। खाक सही है रुकने का फैसला, क्यों रुके हम यहाँ पे ये सुनने के लिए कि हम मर गए हैं? हैं? कौन मर गया जी? और हम? अगर हम तो यहाँ जिंदा बैठे। और यार तुम तो चुप कर जा। अरे अम्मा एक सेकंड रुके तो सही। अब्बा आप किसी की भी कसम उठवा ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, इन्होंने जब भी आपका जिक्र किया बड़े अदब और एहतराम के साथ किया है। जाहिर है पुत्र, जाहिर है, मरे हुए आदमी का जो जिक्र होता है वो अदब और एहतराम ही से होता है। अरे नहीं अब्बा जी, आप गलत समझ रहे हैं।
शान एक छोटा बच्चा है, कहीं से सुन लिया होगा, बोल दिया। प्लीज अब गुस्सा थूक दीजिए। मैं आपकी बहू हूं ना, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? प्लीज नाश्ता करने चले, प्लीज। पराठे बनाए। हाँ पुत्र माफ कर दिया, जुदी रह जुदी रह। चल नाम अकबूल आदमी, असली किससे बड़ों का एतराब कैसे किया जाता है? आ पुत्रा शाबाश है भाई, आज जमाना आ गया रोटी खान ले। आजा मेरा बेटा, आ वेला। ओ यार इन्हू तो परे करो ना, परौठे ले आके आ। हाँ ना ये दे। शान हम अंदर चले? ओ पुत्र रहने देना, बैठा रहने दे उसको। नहीं अम्मी जी, ये आप लोग के साथ बैठेगा ना तो आप लोग को तंग भी बहुत करेगा और नाश्ता नहीं करने देगा। ओए नहीं तंग करदा यार, की हो गया तेनू तंग करेगा? और जब तो प्यो ने तंग किया सानू, सानू कुछ नहीं होया, बच्चे ने तंग करने पे क्या होगा है? अच्छा पुत्र तू भी बह जाना, नाश्ता कर ले। जी मैं आती हूँ। ओए बेटा बाबा ने क्या कहा था दादा के लिए? अरे अब्बा बात खत्म हो गई है, बार बार पूछने की क्या जरूरत है? और बच्चों के सामने इस तरह की बातें थोड़ी करते हैं। ये तो बोलकर भूल गया, आप उसे याद करवा देंगे, नाश्ता करें। अच्छा पुत्र ये बता बाबा ने दादी के बारे में क्या कहा था? अरे अम्मा छोड़े ना, बार बार क्यों पूछ रही हैं? बाबा ने कुछ नहीं बताया था, मामा ने बताया था। क्या बताया था? कि दादी बहुत गंदी है। क्या और क्या बताया था? दादी चुड़ैल है। चुड़ैल? आप तो कहते थे मैं बड़ी सोनी हूं और बहू मेरी कहती है मैं चुड़ैल हूं। क्या क्या हो गया, सब खैरियत? तुझे मैं चुड़ैल नजर आती हूं? ओ पुत्र तेरा कह रहा है कि चुड़ैल है दादी, है? पूछ अपने इस होते सोते से कि तेरा पुत्र कह के क्या गया है? तुम्हारा लाल कह कर गया कि मामा दादी को चुड़ैल कहती है। क्या? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं क्यों कहूंगी? झूठ ना बोल, और तू तो बड़ी मकार निकली। मैं तो समझता था ये झूठा है, तू तो इससे बड़ी झूठी निकली है। अब मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी, चुड़ैल होगी तू, तेरा पूरा खानदान चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। नाश्ता करार बैठी और नहीं करता नाश्ता सानू, और सानू कमी है कोई रोटियां दी, हद हो गई है दादी और तेरा आली। चल हद हो गई, बच्चे नु पूछ रहा कोई चुड़ैल तो कोई। देख लिया, मैंने पहले ही कहा था ये शान ना मरवाएगा हमें। चुप। या अल्लाह कहाँ फंस गया मैं? झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार। खुदा दे वास्ते आहिस्ता आवाज ना रोया कर। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ना भै भै रोया कर, तेरे काम तो खराब है, हमारे काम भी खराब करेगी। यही दिन देखने को रह गए थे, ऐसी ने लायक औलाद पैदा की, उसने मुझे चुड़ैल बोला, वो देखता रह गया आराम से बैठ के। फिक्र ना कर, अभी आ जाएंगे मुंह उठा के दोनों मीठने। हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं था। देखना तू देखना, आएंगे अभी आ गए। माँ मेरी बात सुने, अपना इस तरह दिल तो छोटा मत करें। कौन सा बिल अब अपना, कोई बिल बिल नहीं देना। बिल नहीं दिल, दिल दिल तो क्या हुआ है दिल को? दिल दुखा है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन यकीन करें कि मैंने उससे ऐसी कभी कोई बात नहीं की। हाँ हाँ अब कह दो कि ये सारी बातें बच्चे ने अपने पास से खुद कर दी है ना? ऐसी ही बात है अब्बा जी। मैं नहीं मानता, ओए ऐसे कैसे हो सकता कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात खुद कर दे, हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारी गलती ना मेरी ही है। क्या गलती हुई? वो क्या है ना कि मैं उसके सामने बैठ के टीवी ड्रामास देखती हूँ, तो उसको ये आदत पड़ गई है ना। कौन से ड्रामे? अरे अम्मा ये छोड़े, असल बात तो सुने। हाँ वो सास बहू के ड्रामे जिसमें साजिशें होती है ना, लड़ाई झगड़े, तो शायद उसने वहीं से सीखा होगा। वैसे रोज ये सरासर तुम्हारी गलती है, बच्चों के सामने कौन देखता है ऐसे ड्रामे, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। अब देखो मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। बस कर, चुप कर जा, बड़ा आया दूसरे को गलती का एहसास दिलाने वाला।
भाई कम से कम बहू हमारी तुझसे तो बेहतर है, अपनी गलती का एहसास तो है, अपनी गलती मानती तो है, तेरी तरह नहीं है मेरी दी है। अम्मा जी अब आप प्लीज नाराजगी खत्म कर दीजिए, आप 3-4 दिन के लिए यहाँ आई और यहाँ से चली जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से अच्छी अच्छी यादें लेकर जाएं। किताबें? कौन सी किताबें? किताबें नहीं, यादें, यादें। अच्छा यादें, मैं सब के जाऊँ, कितने प्यार से तू मना रही है ना, कभी किसी ने नहीं मनाया, इन्होंने तो वैसे ही कभी नहीं मनाया, मेरी बच्ची बड़ी प्यारी है, माशाल्लाह तू बहुत ही चंगी बच्ची है, वाकई अब मैं राजी हूँ तुझसे। इसका मतलब है कि आप मान गई है ना? हाँ, राजी क्यों नहीं मानूंगा मैं। हाँ। पंजाबी रोज, थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होती ना पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे संभालता। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और तुम्हें इतना फेवर क्यों दे रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मतलब? हमारी दोस्ती के लिए, और किसके लिए? हाँ लेकिन दोस्ती में इतना कौन करता है यार। तो फिर ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? रिलैक्स, सभी क्या कह दिया मैंने? और ऑलरेडी तुम किसी को पसंद करते हो ना, तुमने मुझे खुद बताया था। हाँ बल्कि पसंद नहीं, बहुत पसंद करता। तो फिर हम दोनों का तो सीन ऑन ही नहीं हो सकता डूड, बस दुआ करो कि तुम्हारी फैमिली यहाँ से जाए ताकि तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर सको। मेरा ये दुआ करने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? पता नहीं, ये सब बहुत अच्छा लगने लगा है, मैं तुम हमारा बच्चा अम्मा अब्बा। ओ हेलो, ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना ठीक है? ओके रिलैक्स। और ये हमारा बच्चा ये क्या लगा रखा है? अरे मेरा मतलब कि इस वक्त तो शान हमारा बच्चा ही है ना? शान मेरी बहन का बेटा है बस। ओके सॉरी। गुड, कभी कभी ना पागलों जैसी हरकतें करने लगते हो तुम। पागल ही तो हूँ मैं। सुने जी, अगर हम सारी बातें भूल जाए ना तो एक बात है, हमारी नो है बड़ी चंगी। ये बात तो है भाई। देखे ना जी, आप नाराज हुए, कितने प्यार से आपको मनाया, फिर मैं नाराज हुई, मुझे भी मनाया। वो सही कहती हो भाई, बड़ी अच्छी बहू है हमारी। हां वैसे शहर की लड़कियां कहां इतनी अच्छी होती हैं, इतना नखरा होता है उनका कि तौबा इस्तगफार। एक बात है, गधे को बीवी अच्छी मिल गई है। टीवी? कौन सा टीवी? और एक कान का आला ठीक कर, टीवी नहीं बीवी। किसकी बीवी? ओए हमारे पुत्र की बीवी। अच्छा बीवी। वैसे ना रशीद जी, मैं ना एक बात सोच रही थी। अल्लाह दी शान, वाह मेरे रब्बा, तू सोचती भी है? मैं सोच रही थी कि हम यहाँ से ना जाते ही नहीं है, यहीं रह जाते हैं, कैसा? पलिए लोके, तू तो मेरे दिल दी गल करती। मैं भी सोच रहा था कि देखो इतना बड़ा घर है, बेटा है, बहू है, पोता है हमारा, और माँ गाँव में कले पड़े रहते हैं, तो यही क्यों ना आ जाए रह ले। तो चले ना फिर सलमान और अरूज को बताते हैं। ओ ना, अभी नहीं, आराम से बताएंगे, एकदम करके मजा आएगा ना। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं भला उसको? ओ सरप्राइज। आहो भाई प्राइज बॉन्ड। रूज, रूज कहाँ? देयर यू आर। हाँ तुम्हारे माँ बाप के लिए खाना पैक कर रही थी, हो गया। वाह भाई क्या बात है, ऐसे अम्मा अब्बा खुश हो जाएंगे कि उनकी बहू को उनका कितना ख्याल है। सलमान तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? रोज आहिस्ता बोलो प्लीज, सुन लेंगे वो, तुम तो बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे यार। बाय द वे आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा के जाने के बाद इस घर से आजाद हो जाऊंगी। यस। वैसे इसमें इतनी भी क्या खुशी की बात है? तुम भूल रहे हो कि मेरी बर्थडे आने वाली है और मैं अपना बर्थडे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हूँ। तुम आज भी अपनी बर्थडे को लेकर उतनी ही एक्साइटेड हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ तो होना भी चाहिए, और वैसे भी साल में सिर्फ एक दिन आता है जिसमें आप खुल के एंजॉय कर सकते हैं, सारा साल तो टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस घर घर ऑफिस, और जब वीकेंड आता है तो घर के काम करने पड़ते हैं, तो फिर क्या करूँ मैं? ओके मैं समझ गया। और भी कुछ चाहिए मामा बाबा को? और सलमान
अम्मा पा गए, चल 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 चल। आ जाओ भाई आ जाओ। ओहो अंदर नहीं है भाई, क्या हाल है भाई? जी अम्मा अब्बा, रूज ने आपके लिए रास्ते का खाना भी पैक कर दिया है। अगर और कुछ चाहिए तो प्लीज बता दें, इसके अलावा भी बहुत कुछ पैक कर दूंगी। और नहीं नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आप तकल्लुफ कर रहे हैं अब्बा, बता दीजिए ना किसी चीज की जरूरत है तो। अरे बेटा जी, अब हमें इसकी क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मतलब बताएं जी इनको। ओ भाई, वो इसलिए कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सब मिलके इकट्ठे इस घर में रहेंगे। कैसा? वापस नहीं जा रहे हाँ, वापस नहीं जा रहे हाँ। देखिए मेरी बहू कैसी खुश हो रही है, पूरे शक्ल लाल लाल खुशी से हो गई है मेरी दी, माशाल्लाह मैं जिंदी रहूं। क्यों है खोतिया, तनु खुशी नहीं हुई? अब्बा मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, हंसम होने में वक्त लगेगा। और मेरा शेर और परांठे लाके आओ, आज डबल डबल नाश्ता होगा, आ जाओ आ जाओ। क्या खुदाया, इस झूठ के रिश्ते को और कितने दिन तक लेके चलना पड़ेगा? खिलाओ इनको पराठे। झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार। शाबा, ये क्या तुम अब ये घुन्ने मीसने बन के क्यों बैठे हो? कुछ कुछ फूटो अपने मुंह से, अब करना क्या है? वही तो सोच रहा हूँ। पर कितना टाइम लगाओगे सोचने में? 5 दिन बाद मेरी बहन और बहनोई वापस आ जाएंगे, और तो और मेरी ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी, बच्चा वापस करना होगा, और तो और मुझे भी वापस जाना होगा। यहाँ घर में बैठ के तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती मैं। रोज गुस्सा तो मत करो। यू नो व्हाट, तुम एक नंबर के गधे हो, और मैं तुमसे भी बड़ी बेवकूफ। ठीक है, मैं गधा हूं, मैंने ये सारा प्लान किया था, पर खुद को क्यों बेवकूफ कह रही हो? वो इसलिए कि इस बेकार से प्लान में मैंने तुम्हें हेल्प आउट किया, इस वजह से। देखो रोज, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करती रहोगी तो मसले का हल कैसे निकलेगा? ये मसला हल होते हुए मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। देखो सलमान, मैंने सोचा था कि यहां से जाने के बाद मैं अपनी बर्थडे प्लान करूंगी, उसको एंजॉय करूंगी, पर ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। देखो रोज, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ना कि तुम्हारी बीवी जो मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं। मेरी बात सुनो, आखिर 2 दिन के अंदर तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताया तो मैं जाके खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही शांत तुम्हारा बच्चा। अम्मा, आप, अम्मा, वो आपने जो कुछ भी सुना ना बिल्कुल झूठ था। ये रोज कुछ भी कहती रहती है, वो मेरी बीवी है ना, बस ऐसी गुस्सा आ गया था उसे। अम्मा अम्मा मुझे माफ कर दें, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैंने कुछ भी बोल दिया था, मुझे ना गांव में शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मा। तो खोतिया, तेरी मां नु आला ला के नहीं सुनाई देता तो हूं ते आला लगा ही नहीं होया। पता नहीं तुसी दो में की बोली जा रहे हो, पटर 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 पटर। ओ होती है, ओ ओ करंट लगे वाला लिए जा, जरा शान नु देखना, शान ने मेरा किधर आला रख के भूल गया, मन कुछ समझ ही नहीं आ रही, कितनी देर तो मैं लब रही हूं। मैं नौकर थोड़ी हूँ जो मैं ढूंढ कर दूंगी, खुद ही ढूंढ लेना, ठीक है? कितनी चंगी है, कितने प्यार नाल कितना कुछ बोल गई, दिल मेरा खींच लिया, नहीं सुनाई दे रहा तेरी। अरे कह कर गई है कि ढूंढ कर ला रही। तन्नू कहनी है मेरा आला नहीं है, फिर तू बोली जा रहे हैं, मनु लगता मनु खुद ही लबना पेगा। बहुत शुक्रिया। आप शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। किस बात?
इस बात पे कि तुम यहां मेरे साथ फंस गई, और शुक्रिया भी अदा करना। शुक्रिया किस बात का? वो इस बात का कि इस काम में मेरा साथ देना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने दिया। सच में अरुज, अगर मेरी असल बीवी भी होती ना, तो वो मेरा इतना साथ नहीं देती जितना कि तुमने दिया। सो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पिछले कई दिन से मुझ पर लाइन मार रहे हो? पता चल गया तुम्हें? क्या मतलब है? अरे क्या हो गया? रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, अपना मूड अच्छा करो, अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं। मुझे नहीं जाना, मैं थोड़ी देर यहीं बैठना चाहती हूँ। अरे खाना खा लो फिर आकर बैठ जाना। हाँ प्लीज 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 प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। तुम्हारे बगैर मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं भी यहीं बैठा रहता हूँ। ओके लेट्स गो। ओके लेट्स गो। सलमान कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे बता रहा हूँ बस। सलमान के वक्त मजाक का नहीं है। इतना देर क्यों रहे? पत्तियां बांधो। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। तुम्हें पता है, इस तरह से आज तक मेरी बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट नहीं की। थैंक यू। यू वेलकम। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। थैंक यू। आई लव यू टू। व्हाट? आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया ऐसे। सॉरी। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। अच्छा रुज, मेरे पास एक आइडिया। कैसा आइडिया? अम्मा अब्बा को घर से भेजने का। प्लीज जल्दी बताओ अगर कुछ है तो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। सलमान ये बुरी बात है, वो तुम्हारे अम्मा अब्बा हैं यार। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मेरी बात सुनो, ये ना तो मोहब्बत का मामला है और ना ही जंग। ओ हेलो, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करने के लिए जंग लड़ रहा हूँ, तो मोहब्बत भी और जंग भी। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीख। ठीक है, कल से इसी मिशन पे निकल जाऊंगी। तो मिलाओ हाथ। डन। ये ले, अच्छा वासा। दादा दा पोता। शेरा। टक्कर मारेगा टक्कर। शान। अब्बा जी। हाँ बेटा। ये कोई तरीका है क्या? आप लोग जब तक यहाँ रहेंगे उतने घंटे उतने दिन शान हर वक्त खेलता ही रहेगा आप लोगों के साथ। और नहीं पुत्र, हम तो अभी आए हैं। जी नहीं, कितने घंटे से आपके साथ खेल रहे। अब जी आप इसकी इसकी आदतें खराब कर रहे हैं। और तुम्हें अपने स्कूल का होमवर्क करना है कि नहीं? चलो एक मिनट बेटा, स्कूल तो बंद है ना। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका स्कूल बैग, इसकी किताबें सबको आग लगा दूं? नहीं पुत्र, मेरा कहने का मतलब ये है, इतने छोटे से बच्चे पे इतनी दलील का बोझ नहीं डालते। हाँ अब्बा जी आप तो बस रहने ही दीजिए, आपको क्या पता पढ़ाई के बारे में। अरे भाऊ,
बदतमीजी नहीं करो। खबरदार जब मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो, कभी मेरे अपने शौहर ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की तो आप कौन होते मुझसे ऊंची आवाज में बात करने वाले? तो चलो अंदर। और खबरदार जब तुमने खेलना शुरू किया तो बाहर, होमवर्क कौन करेगा, मैं या सलमान या तुम्हारे बाबा? तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस पैर फटकती हुई निकल गई बाहर। हो सकता है उस बेचारी की तबीयत ठीक ना हो। सहन दे, तबीयत ठीक ना हो, मेरे ख्याल से तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ना बोलें, कितनी खिदमत करती है वो हम लोगों की। वो खास ख्याल रखती है, और मुझे लगता है कि हमारा यहाँ रुकने का फैसला ना उसको ठीक नहीं लगा। हाँ, कौन नहीं लगा? ओए, हमारा फैसला ठीक नहीं लगा उसको। ना ना, इंज दी गल ना करो, वो दिल दी बहुत अच्छी है, हो सकता है वो अंदरों परेशान होवे। अम्मा जी, अम्मा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मेरा चन, बोल क्या बात है? बस बहुत हो गया, मजीद बैठ कर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? कौन चलता रहेगा? बैठ कर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का सिलसिला? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और थक गई हूँ मैं। इस घर में रहना है ना तो काम करना होगा। हमारे खानदान में किसी बहू ने अपनी सास से ऐसी बात नहीं की है, नहीं करेगी काम रुबीना। अच्छा, बड़ी मोहब्बत जाग रही है अपनी बीवी के लिए। अगर ये कोई काम नहीं करेंगी तो इस घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ, पका पका के थक गई हूँ, जो खाना है खुद बनाओ। बेटा कैसी बातें कर रही है, तेरा दिमाग चल गया, तुझे हुआ क्या है? क्योंकि क्योंकि मेरी बर्दाश्त की भी बस हो गई है। अब देख लिया तूने, हैं? बड़ी दिल की अच्छी है। सबर करें, आने दे सलमान को, आएगा ना एक एक बात की शिकायत करूंगी, सीधी हो जाएगी। पर रहने दे तू भी, उन्हें की करना है, वो सुथे में चला ला ते पा नहीं सकता। ऐसे तो ठीक ही है। आ गई समझ तुझे? ये बजे। तो फिर अब क्या करेगा? वही तो सोच रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ? ओए बेहरता, ओए अब भी सोच रहा तू? अब बस सोचना तो पड़ेगा ना। सोचने की क्या बात है? सीधा सीधा पूछ, क्यों बदतमीजी की उसने हमसे? डरता है उससे? डरता मैं किसी से नहीं हूँ। तो फिर इतना टाइम क्यों ले रहा है सोचने का? डरपोक ना, जोरू का गुलाम बन के रह गया। सलमान, मुझे 50,000 चाहिए प्लीज, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। 50,000 रुपए? तूने क्या करने है? एक्सक्यूज मी, मैं आपको जवाब दे बिल्कुल भी नहीं। उरुज, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए, तुमने शॉपिंग की थी। बड़ी फजूल खर्च लड़की है तुम। ए लड़की, इतने पैसे क्या करती है? अरे कहीं जुआ शुआ तो नहीं खेलती है? अच्छा, तो आप दोनों मेरे शोहर के कान भर रहे हैं यहाँ बैठ के, चले जाकर कोई काम करे। देख रहे कितनी बदतमीजी करती है ये। रुच, मेरे माँ बाप से तमीज से बात करो तुम। अच्छा, तो फिर अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से, अपने माँ बाप समेत। ओए, इसका क्या है, है? हाँ बाबो, इसके इसके अब्बू ने गिफ्ट किया था। अब मैं कोई स्मगलर तो हूँ नहीं जो इतने से पैसों से इतना बड़ा घर बनाता। क्या हुआ, नहीं जा रहे? बेशरम कहेंगे। उरुज, खबरदार, अगर मेरे सामने तुमने मेरे माँ बाप को बेशरम कहा। पुत्र जी, वो तुम्हें कह रही है, हमें नहीं। एक मिनट, मैं आप सबसे कह रही हूँ। इनफ, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने माँ बाप की बेइज्जती, मैं जा रहा हूँ बस। तो फिर सामान उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। उरुज, मैं बता रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। अभी जाओ ना, रोका किसने? देखा आप लोगों ने, मैं जा रहा हूँ इस घर से। ओ पुत्र जी, ऐसे नहीं जाना यहाँ से, समझाए इसे। नहीं अम्मा, मैं एक पल इस घर में नहीं रुक सकता, आप देखे किस तरह बात कर रही है मुझसे वो। पागल हो गया है, अपने बेटे का सोच। बेटे का क्या, रख लेगी ये बेटा अपने पास? बस मैंने कह दिया, कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा कहीं। चुप, बैठ जा, बैठ जा, ओ बैठ जा। तो बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? रुच, मान गया मैं तुम्हें, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो।
बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। अम्मा अब्बा का चेहरा वाकई में देखने का था। पोता अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। जब बलून चला के हम यही रुक रहे हैं, वापस नहीं जा रहे, तो असलियत दिखा दी उसने। ए, मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है। अबे अफसोस किस बात का? तुम्हारे अम्मा अब्बा बहुत सीधे साधे लोग हैं और मुझे ये सब कुछ उनके साथ करते हुए ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और जब अफसोस मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो ना। अब वैसे भी कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद अम्मा अब्बा यहाँ से चले जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इधर से नहीं जाने की। तो क्या करोगी बहू, क्या तो जलील होगी। सलमान ने किया है ना, वो बहू नाल गाल करेगा। जब अम्मा अब्बा के सामने मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ ना, तो तुम मुझे जलील कर देना आगे से, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज किया। जिंदगी जितने जलील नहीं हुए आप, जितने अब हो गए। तो हुन की होएगा? अरे होना की है, और जब तक वो मेरे को माफी नहीं मांगेगी तो मैं इधर नहीं रुकना, वापस जावांगा पिंड। फिर वापस भेजना ही है ना। अगर अम्मा अब्बा ने तुमसे माफी की बात की तो तुम क्या जवाब दोगी? माफी? और मैं माय फुट। वैसे मेरा वास चल रहा सी जुतियां नाल मारा इन्नू। अच्छा मारी क्यों नहीं? अपने पोते शान दा ख्याल आ गया सी। बस ये है कि हमें शान का ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अब्बा के सामने कुछ भी बोल दे। उसका डर तो मुझे भी है, बस कुछ टाइम की बात है, थोड़ा और ड्रामा कर ले फिर तो हम हमेशा के लिए आसाद हो जाएंगे ना। वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? तुम्हें बताया तो था रोज कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर अपने माँ बाप के पास जाके सीधी तरह उन्हें बता दो। वो तो मैं बोल देता, लेकिन जिसे शादी करना चाहता हूँ वो शादी के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार हो जाए तो तुम अपने अम्मा अब्बा को बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन फिलहाल उसके तैयार होने के चांसेस बहुत कम है। आ जाए पुत्र। अरे पुत्र, नौ नाल गाल की थी जी। फिर क्या क्या उन्हें? तो नहीं मानी यार, वो बेशक है ऐसी है। नहीं अब अजी, रूज तो बहुत अच्छी है, बस उसे आप लोग के यहाँ रहने से मसला है। तो पुत्र तो परेशान ना हो, अगर परेशानी है तो हम यहाँ से ना चले जाते हैं। क्या वाकई? हाँ पुत्र, हम तेरा घर खराब नहीं करना चाहते, अगर हमारी बहू को हम पसंद नहीं है तो चले जाएंगे। अबा मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने उसे मना कर गाँव लेकर आऊंगा, सबसे मिल पाऊंगा, आप दोनों मेरी फिक्र मत कीजिएगा। नहीं पुत्र, हमें तो तेरी खुशी देखनी है, बस तू खुश रह जिस तरह भी रहता है। अजीब बात है ना, हम जब यहाँ आए थे ना पहले, पुत्र तेरे पे बड़ा गुस्सा था, बहुत ज्यादा, पर अब तो तेरी हालत देख के हमें तरस आता है तुझ पे। हमारी वजह से बहुत परेशानी में है ना। नहीं अब्बा, खैर है कोई बात नहीं, आप लोग बस ये बता दें कि कब जाने का फैसला किया। बेटा जाना ही है तो यहाँ रहने का फायदा, तू आज की गाड़ी में ही हमें भेज दे। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग अपना सामान पैक कर लें, मैं ना बाहर आप लोगों का इंतजार करता हूँ, ठीक है? जल्दी आ जाए। जल्दी पढ़िए लोग, पिंड चल ले। आ जा नहीं बोलिए लोग के, आ जा आ जा। अच्छा बहू हम जा रहे। मैं आपकी बहू नहीं हूँ। और रहन देना, उनको गुस्सा छाड़ दे, और हमारे पोते से तो मैं मिला दो। शान भी आप लोगों का पोता नहीं है।
क्या बोल रही है, फजूल की बातें नहीं कर हमसे। देखिए आप लोगों से जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, नहीं तो मैं इस घर की बहू और नहीं मैं सलमान की बीवी हूँ। सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सलमान ने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ सलमान के कहने पे किया है और कोई इरादा नहीं था। उसने ही मुझसे कहा था कि मैं आप लोगों से झूठ कहूँ। और शान, शान मेरी बड़ी बहन का बेटा है, हमारा नहीं है। और साची दास मुझे ना बड़े हॉल से हो रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, एक तो कान खराब है ऊपर से मेरी सब खराब हो रही है। ओए मस्बल क्या तेरा, बात तो कर खुल के। झूठ मूठ का सच्चा प्यार, झूठ मूठ का सच्चा प्यार। ट्रेन का वक्त हो रहा है और अम्मा आने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे अम्मा आप लोग अभी तक यहीं पर हैं, जल्दी चले, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चले 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 ना, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हुआ अरुज? सलमान किसी लड़की को पसंद करते थे ना, जिसे तुम शादी करना चाहते थे, और मैं हूं ना। क्या कह रही हो ये तो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं जानती हूँ कि वो लड़की मैं ही हूँ, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ। बताओ सोच क्यों बोले जा रही हो? मुझे तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों पसंद है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अरे बे कुछ भी बोल रही है अब्बा, अम्मा इसकी बातों में ध्यान न दे। ये बस कर दे बस, उसने हमें सब कुछ बता दिया, समझ आई? सब बता दिया सानू सारा कुछ पता लग गया, समझ आई ना तेनू? और जो तुमने ड्रामा हमारे साथ किया है ना अब्बा। क्या अब्बा? सॉरी मुझे माफ कर दे। ओए परा हाथे सॉरी दिया पुत्र ना होए, जा कान पकड़ कान। अच्छा ठीक है। ओए उल्लू दिया मेरे नहीं अपने फार कान। ओ अच्छा ठीक है ये बेटा माफ ते असी कर दांगे तैनू, पर जेड़ा तू साडे नाल कीता ना ओ बेटा तेरे नु बख्शा जाएगा, वो तेरा हाल करेंगे हम ऐसी। पहले वो तो बताया कि अब इसकी शादी ना हमने इसी से करनी है। ठीक है ठीक है। हमें हमारी होने वाली बहू बड़ी पसंद आई है, लेकिन तेरा हमने वो हाल करना ना, सजा देंगे तुझे। कैसी सजा? कैसी सजा भाई? वही जो तुझे बचपन में देते थे, पूछ क्या? अब तेरे साथ वही होगा जो बचपन में तुझे जूतियां पड़ती।